नागपुरातील इंदोरा येथे भीमचोक नवयुवक संघटन, भीमचोक मित्र परिवार व आश्रय ज्वेलर्स यांच्या संयुक्त विद्यमानाने तथागत भगवान बुद्ध जयंती महोत्सवाचे आयोजन करण्यात आले होते. यात महाराष्ट्राचे सुप्रसिद्ध समाज प्रबोधनकार संभाजी भगत यांच्या उपस्थितीत हजारो श्रोतागण उपस्थित होते. अभी प्रोग्राम खत्म हो गया और बहुत आश्चर्य लगा की नागपुर के इतने लोग इतने बड़े तादाद में आए और कार्यक्रम तो दो घंटे का हो गया फिर भी लोग जाने के लिए तैयार नहीं. ये बहुत नया एक्सपीरियंस मेरे लिए है और इतनी दर्दी लोग और इतने अच्छे लोग यहाँ सुनने वाले हैं तो बहुत खुशी हुई. खास करके खांडेकर साहब जो है जिन्होंने ये जो जमा मतलब ये ऑर्गेनाइज किया है ये बहुत खांडेकर साहब का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मुझे बम्बई से बुलाया और बहुत प्यार किया और इतना अच्छा ऑडियंस उन्होंने उपलब्ध करके दिया तो मैं बहुत उनका शुक्रगुजार हूँ. नागपुर के इंदोरा के सारे जो मेरे भाई और मेरे बहनें हैं उनका मैं शुक्रगुजार हूँ और नागपुर का मैं शुक्रगुजार हूँ. क्या संदेश दिया सर आपके गाने के हिसाब से? देखिए बाबा साहब की जो संविधान है वो अब खतरे में है. उसके लिए मैं गांव गांव जा रहा हूँ और घर घर जाके संविधान का जो प्रचार है वो हमारे तरफ से कर रहे हैं हम. तो ये जो संविधान बचाने का जो जो अभियान है ये अभियान को हमको आगे लेके जाना चाहिए. 4 तारीख को ये देश में कौन सा पक्ष चुनाव में जीतेगा वो मालूम हो जाएगा. कौन सा भी पार्टी आ जाएगा फिर भी संविधान के ऊपर जो आँच आई है वो बहुत खतरनाक आँच है और वो जाने वाली नहीं है. क्योंकि यह संविधान विरोधी लोग जो है मनुवादी लोग जो है या आरएसएस के लोग जो है ये नीचे तक गए हैं. ये जहर नीचे तक गया है तो ये जहर को अगर निकालना है तो संविधान की जो मूल्य व्यवस्था है वो घर घर में गाँव गाँव में लेके जानी चाहिए और उसका एक मैं एक सैनिक हूँ बाबा साहब का सैनिक हूँ. मैं राजेंद्र आश्रय डायरेक्टर आश्रय ज्वेलर्स भीमचौक नारोण नागपुर. आज का जो कार्यक्रम हुआ है बहुत ही बढ़िया हुआ है और नवयुवक भीमचौक नवयुवक संगठन और भीमचौक मित्र मंडल इनके सहयोग से जो कार्यक्रम हुआ है तो ये बहुत ही बढ़िया हुआ है और सभी लोगों ने इसका बहुत बड़ा आनंद लिया. मैं तो युवाओं के लिए एक ही बात करूँगा कि ख्वाब देखो और ख्वाब सच करने के लिए अपने को सबसे बड़ी मेहनत करना जरूरी है और अगर अपने पास अपने मराठी बोलते जाते मराठी मी तो नवयुवक संघांना किंवा नवयुवक मित्र मंडळींना एकच सांगेल की स्वप्न बघा आणि स्वप्न साकार करण्याकरता एक वाटचाल करण्याकरता तुम्हाला मेहनत करणं फार जरुरीचं आहे आणि जर भगवंताची कृपा वरिष्ठ माणसाचा जर आशीर्वाद आणि तुमची जर मेहनत असली तर ते स्वप्न नेहमी साकार होतात.